खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद से चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल की तीन सहाफियों से मुलाकात के मुतालिक सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सुप्रीम कोर्ट में तीन सहाफियों के साथ मुलाकात के मुतालिक सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। अहम नुक्ता यह है कि इस मुलाकात में की गई गुफ्तगू की जो तफसीलात सामने आई उन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तस्दीक या तर्दीद नहीं की गई। ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि तीन सहाफियों की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात के तनाजुर में अदलिया में इख्तिलाफ बढ़े हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के बाद अदालती तकसीम गुजरते वक्त के साथ गहरी होती गई जो जजों की तैनातियों पर शदीद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मसर्रत हलाली की तकरन हल्फ बरदारी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कुछ सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। सहाफी ने सवाल किया क्या अब से मंसूब बातें दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने मुंह पर उंगली रखकर जवाब दिया मैं कुछ नहीं कहूंगा। सहाफी ने सवाल किया क्या वो बातें गलत हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया गलत बातें तो आप करते हैं।